नमस्कार सभी लोगों को। मेरी तरफ से मैं नीना श्रीवास्तव सादगी के सफ़र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सब लोग अच्छे होंगे, ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि कोरोना की वजह से सब बड़े परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। ये इतना बुरा हाल चल रहा है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड जो है वो भी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वो बेड पे हैं, उनको सर में कोई प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने। और मैं जॉब करती हूँ। कई लोग ये डालते हैं कि गांव की लेडीज़ बहुत काम करती हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही। आज मेरा वीडियो जो है इसी मैटर पे है कि शहर की शांतियों का भी काम देखा जाए, जो कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाती हैं। आज के टाइम में मैं ये देख रही हूँ कि लेडीज़ें पहले घर के बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि ईश्वर ने लेडीज़ों को गृह मंत्री बनाया है और पति को बाहर का मंत्री बनाया है। वो कमा के लाएंगे भगवान का, मतलब हमारे जो हिंदू धर्म में जो संस्कार थे पहले ये चले थे कि पति कमाएंगे और लेडीज़ें घर का काम करेंगी। लेकिन आज लेडीज़ के पढ़ने से, बाहर आने से, घर से बाहर आने से उनके ऊपर तो जिम्मेदारियों का बहुत बोझ बढ़ गया है। अब उनको बच्चों को भी देखना पड़ता है, हस्बैंड की भी ख्वाहिशों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके परिवार की भी ख्वाहिशों का ध्यान रखना पड़ता है, और ख़ुद का तो वो ध्यान रख ही नहीं पाती। तो बहुत मुश्किल बढ़ गई है। यदि लेडीज़ पहले अच्छा था, पहले घर में रहते थे, पति ने लाके दे दिया तो ठीक, नहीं तो बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये है कि पत्नी यदि कमाने लगी है तो उसको ये लगता घर में ये चीज़ नहीं है, भाई ले चलो। पति को टाइम ही नहीं है, सुबह आजकल प्राइवेट जॉब हो गए हैं, सुबह 7:30-8 बजे जो निकलता है इंसान, रात में 9-10 बजे ही आ पाता है। लेकिन टेंशन किसको रहती है? घर चलाने वाले को, क्योंकि वो लेडीज़ के लिए ये बहुत दिक्कत हो गई है। यदि अपन ये सोचे कि लेडीज़ बहुत आगे बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कर रही हैं, तो ये 100 में से 10% खुश दिखती है मुझे लेडीज़। बाकी मैं ये देखती हूँ कि है ना, मैं भी जॉब करती हूँ, बाकी मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी में रहती हैं जॉब करने वाली लेडीज़। आज मैं एक अपना थोड़ा सा एक ड्राइंग रूम का थोड़ा सा सीन आपको बताती हूँ। यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, देखिए ये मेरा छोटा सा घर है, हैं ये छोटा सा घर है, और ये छोटा सा ही मैंने घर बनाया है, बड़े घर मेंटेन नहीं होते ज़्यादा। ये मेरा फाउंटेन है, ये फाउंटेन है मेरा, ये सब मैंने अपनी मेहनत से सब किया है, छोटा सा घर बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है। और ये छोटा सा मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आगे भी अब वीडियो बनाऊंगी। शहर की शांति मेरा सब्जेक्ट है, सादगी का सफ़र, लेकिन मैं शहर की शांतियों के विषय में भी बताऊंगी कि वो कितनी मेहनत करती है। इसलिए आज का वीडियो छोटा ही बना रही हूँ। नमस्कार, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा और मेरी बातों को गहराई से सोचिएगा, बुराई में मत ले जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।